तारापुर के सुरेंद्र आईटीआई माधोडीह के प्रांगण में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह पूर्वक राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद रफीउज्जामा की अध्यक्षता में मनाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सुरेंद्र यादव, पुष्पम, प्रियम, मोहम्मद इजहार, दिनेश तांती, कृष्णानंद यादव, नागेंद्र सिंह यादव, मोहम्मद चांद, दिनेश भारती, जयप्रकाश यादव सहित राजद से जुड़े दर्जनों लोगों के अलावा अन्य लोगों ने जननायक श्री ठाकुर के तैलीय चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। मौके पर अपनी बातों को रखते हुए प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद रफीउज्जामा ने कहा कि जननायक की 99वीं जयंती राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा संविधान बचाओ देश बचाओ के संकल्प के रूप में मनाई जा रही है। रफीउज्जामा ने उपस्थित पार्टी जनों को अपने जीवन काल तक संविधान के रक्षार्थ लड़ते रहने का संकल्प दिलाया। इन्होंने कहा कि आज संविधान खतरे में है, जिसे बचाने के लिए युवाओं को सामने आना होगा, गांव घर में इसकी लड़ाई लड़नी होगी। वहीं दूसरी ओर तारापुर यूको बैंक के समीप राजद कार्यालय में पिछड़ों के मसीहा पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर राज्य परिषद सदस्य राजद शैलेश कुमार उर्फ मंटू यादव की अध्यक्षता में उनकी जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मंटू यादव ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर युवा राजद के प्रखंड अध्यक्ष नितेश कुमार, छात्र राजद के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अजाज, नीतीश कुमार, इंद्रसिंह कुमार, मोहम्मद तारिक, उदय यादव, पैक्स अध्यक्ष बिहारी लाल कुशवाहा, देवनंदन कुमार ने भी पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राज्य परिषद सदस्य राजद मंटू यादव ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर गरीबों की आवाज़ बनकर उभरे थे। कर्पूरी ठाकुर 1952 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीते थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। 1971 में मुख्यमंत्री बनने पर ठाकुर ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए गैर लाभकारी जमीन पर माल गुजरी टैक्स को खत्म कर दिया। कर्पूरी ने 1970 में नौकरियों मुंगेरीलाल कमीशन लागू कर गरीबों पिछड़ों को आरक्षण दिया। वह बिहार की राजनीति में गरीबों दबे कुचले वर्ग की आवाज़ बनकर बिहार में उभरे थे। कहा कि राजनीति के जानकारों के अनुसार जननायक कर्पूरी ठाकुर की लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। वहीं इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं द्वारा संकल्प भी लिया गया। जनता दल के निर्देशानुसार तारापुर प्रखंड में जननायक कर्पूरी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। आज का यह कार्यक्रम राष्ट्रीय जनता दल द्वारा संविधान बचाओ देश बचाओ के संकल्प के रूप में मनाया जा रहा है। आज हमारा कार्यक्रम तारापुर प्रखंड के माडोडी ग्राम में सुरेंद्र आईटीआई में आयोजित किया गया। हमारे सभी साथी यहाँ पे उपस्थित थे और आने वाले 28 फरवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पुण्यतिथि के मौके पर पटना में हम लोगों का बहुत बड़ा पार्टी का कार्यक्रम होना है। उसका प्रचार हम लोग अभी से गांव-गांव करेंगे और लंबा भीड़ पटना में जुटेगा। आज का कार्यक्रम हम लोग माने में जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का विचार है, इसको गांव-गांव ले जाने और सभी लोगों को इनके विचारों से अवगत कराने का भी संकल्प लिए हैं। आगे भी हम लोगों का कार्यक्रम होता रहेगा। धन्यवाद। क्या नाम है? रफीउज्जामा, प्रखंड अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल तारापुर।